अब दिल्ली दंगे देख लीजिए, चार चार साल से लोग जेलों के अंदर है, स्टूडेंट लोग जेलों के अंदर है, उमर खालिद जेल के अंदर है, खालिद सैफी जेल के अंदर है, बहुत सारे लोग जिनको जो एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर बोलूंगा मैं तो उनको, वो जेलों के अंदर है, उनको जेलों के अंदर है। एससी एसटी मुस्लिम समाज के लोग ज्यादातर जेलों में भरे पड़े हैं, और अगर न्यायालय सही हो जाए तो जो निर्दोष लोग जेलों में हैं वो जल्दी छूटेंगे और जल्दी उनको बेल मिलने का काम होगा, एंटीसिपेटरी बेल ज्यादा मिलने का काम होगा। एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, सब कानून के समक्ष समान है। मगर जब प्रैक्टिकल में देखा जाता है तो अमीरों के लिए अलग कानून बना हुआ है देश के अंदर, और गरीब लोग जो है वो तो जस्टिस ही नहीं ले सकते बेचारे। सरकार जिसको चाहेगी बेल मिल जाएगी, सरकार जिसको नहीं चाहेगी बेल नहीं मिलेगी। आपको प्रचार करने के लिए बेल मिल जाएगी। उमर खालिद का कोई दोष नहीं है, उमर खालिद जब दंगे होते जहां इस समय था ही नहीं, वो यहाँ पर एक इंसान को बरी करने के लिए या उसको निर्दोष साबित करने के कुछ अगर सबूत आते तो उनको तुम छुपा लेते हो, उनको विटनेस ही नहीं बनाते हो, अपने तरफ के लोगों को विटनेस बनाकर एक ऐसी स्टोरी वहां पे आप देते हो कि वो कई कई साल तक, 10-10 साल 20-20 साल तक चलती है, और एक आदमी का शोषण होता रहता है। पहले जेल में शोषण होता है, फिर कोर्ट में शोषण होता है, समाज में शोषण होता है, उसका मेंटल जो स्टेटस है वो खराब हो जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, मगर ये कहने वाली बात है। बीइंग ए लॉयर मैं ये कह सकता हूँ, क्रिमिनल लॉयर, कि जेल में इतने कैदियाँ हैं कि जेल की कैपेसिटी इतनी नहीं है, और ज़्यादातर गरीब लोग हैं अंदर। एससी एसटी मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादातर जेलों में भरे पड़े हैं, और जो यहाँ के कोर्ट हैं वो बेल देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो डरते हैं बेल देने से कि कहीं ना कहीं उनके मन में ही बैठ चुका है कि हम बेल देंगे तो ये ना सोचा जाए कि कहीं पैसे लेके बेल दी हुई। तो बड़ा बुरा हाल है, छोटे छोटे केसों में भी 2-2, 3-3 महीना तक जेलों में डाला जाता है, और पुलिस तो माशाल्लाह ही है, कोई भी कंप्लेंट आई, कोई भी FIR आई, पुलिस ना तो वेरीफाई करती है कि ये कंप्लेंट है या FIR है, ये सही भी है इसके तत्व या नहीं है। सबसे पहले अपराधी को पकड़ेगी, जो सो कॉल्ड अपराधी है उसको पकड़ के जेल में डालने काम करेगी। सबसे पहले कोई ना कोई एविडेंस तो लेके आइए, केवल किसी ने आरोप लगाया और आरोप लगा के जेल में डालने का काम किया, और सरकार भी ऐसे कर रही है। अब तो अगर सरकार को लगता है कि उसके पॉलिसी गलत पॉलिसी के खिलाफ कोई बोल रहा है तो NSA लगाने का काम करती है, UAPA लगाने का काम करती है, निर्दोष लोगों को जेलों में डालने का काम करती है, तो सरकार कर रही है। सरकार अगर ठीक हो तो पुलिस ऐसे गलत काम नहीं करेगी, और अगर न्यायालय सही हो जाए तो जो निर्दोष लोग जेलों में हैं वो जल्दी छूटेंगे और जल्दी उनको बेल मिलने का काम होगा, एंटीसिपेटरी बेल ज़्यादा मिलने का काम होगा। कोई भागा थोड़ी जा रहा कहीं से है, मगर बेल तो एक ऐसी है कि बेल लेना इस देश के अंदर बहुत ही टफ काम है, और कुछ लोगों को आसानी से मिल जाती है ना, वो भी तो सवाल खड़ा होता है ना। नहीं, कुछ लोगों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट भी रात को खुल जाता है, कुछ लोगों के लिए जिन पे पैसा है उनके लिए अच्छे अच्छे वकील भी आ जाते हैं, बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट खड़े हो जाते हैं, कुछ लोगों को तो FIR ही नहीं होती है, लोगों को तो फिर बड़े बड़े धरने करने पड़ते हैं, बहुत से लोग हैं रेप का केस करके भी वो आज़ादी ढूंढते हैं। तो इस देश में जो कानून है, कानून का आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष सब लोग समान है, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, सब कानून के समक्ष समान है। मगर जब प्रैक्टिकल में देखा जाता है तो अमीरों के लिए अलग कानून बना हुआ है देश के अंदर, और गरीब लोग जो है वो तो जस्टिस ही नहीं ले सकते बेचारे। सबसे पहले तो जो पुलिस है वो शोषण करती है, सबसे पहले तो समाज में शोषण होने लगता है, बचने के लिए पुलिस पर जाते हैं तो पुलिस में शोषण होता है, फिर न्यायालय आते हैं तो वकील शोषण करते हैं, फिर जज जो है उनका एटीट्यूड ऐसा है कि बहुत से जज तो बहुत अच्छे हैं, वो तो न्याय के लिए बैठे हैं, मगर कुछ जज ऐसे हैं जो बिल्कुल भी न्याय के लिए नहीं बैठे हैं, वो तो और एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बैठे हैं, प्रोसीजर में फंसा देते हैं इंसान को। और बेल का तो ऐसा है कि ये तो कहने वाली बात है कि बेल इज द रूल जेल इज द एक्सेप्शन, ऐसा इस देश में नहीं है। बेल जो है इस देश में बड़ी मुश्किल से मिलती है, निर्दोष लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट तक बेल नहीं मिलती है। अब दिल्ली दंगे देख लीजिए, चार चार साल से लोग जेलों के अंदर है, स्टूडेंट लोग जेलों के अंदर है, उमर खालिद जेल के अंदर है, खालिद सैफी जेल के अंदर है, बहुत सारे लोग जिनको जो एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर बोलूंगा मैं तो उनको, वो जेलों के अंदर है, उनको जेलों के अंदर है। आप भीमा कोरे गांव के लोगों को देख लीजिए, कितने लंबे समय से वो जेलों के अंदर है, आप उनको देख लीजिए, जो पॉलिटिकल जो लोग हैं या फिर जो लोग सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, सामाजिक आंदोलन जो कर रहे हैं, जो सरकारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको झूठे केसों में डाल दिया जाता है। तो क्या कर रही है सरकार, बताइए ना। तो ये जो CGI बोलते हैं, उमर खालिद का नाम लिया, उसके केस में तो खुद जज ही अलग हो जाते हैं कि मैं अब इस पर सुनवाई नहीं कर सकता, तो ऊपर से कहीं ना कुछ होगा, सरकार का दबाव होगा। तो CGI को ये कहना चाहिए कि लोगों को जो नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको ऑर्डर देने चाहिए और बेल पर कानून बनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, देश में बेल पर कोई कानून नहीं है, ये जजों की मर्जी करती है, डिस्क्रिशन पावर है उनकी पूरी कि वो बेल देंगे नहीं देंगे। जैसे आपने कहा UAPA जैसा हो गया, NSA वाला ये काम,
इस पर तो बड़ा मुश्किल ही हो रहा है, खासकर अगर कोई दलित समुदाय से हो या मुस्लिम से हो। सरकार जिसको चाहेगी बेल मिल जाएगी, सरकार जिसको नहीं चाहेगी बेल नहीं मिलेगी। सरकार चाहेगी तो आपको प्रचार करने के लिए बेल मिल जाएगी, है ना, आपके पास कोई भी हो आपको जेल में डाल दिया जाएगा और जब चाहेगा जब आपको छोड़ दिया जाएगा। तो फिर दलित मुस्लिम क्या करें? आप अगर सरकार के फेवर में बयान देंगे, अप्रूवर बनेंगे, अगर सरकारी गवाह बनेंगे तो आपको बेल दे दी जाएगी, चाहे कैसा भी केस हो। अब देखा ना दिल्ली लिक्विड जो स्कीम है उसमें, हाँ, शराब घोटाला में हमने देखा कि पहले तो वो जेल में थे, उसके बाद में अप्रूवर बने, भाई सरकारी गवाह बन गया, उसके बाद उनको छोड़कर दूसरों को घुसा दिया गया। तो सरकार करती है सारा कुछ, सरकार ईमानदार होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ पर विश्वास करनी चाहिए, तो लोगों को फिर बेल भी मिलने लगेगी और लोग जेल भी कम जाएंगे। अपराधियों को जेल होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। कोई आदमी अगर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अगर आवाज उठाने काम कर रहा है तो आपने रंजिश के तहत उसको जेल पहुंचा दिया, यूपी लगा दिया। आप छात्र नेताओं को जेल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता उनको जेल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट को जेल पहुंचाने का काम करते हैं। उमर खालिद वाले मामले में तो लगातार जो है उनकी जमानत जो है बेल याचिका वो खारिज किए जा रहे हैं, खारिज किए जा रहे हैं। अब तो वकील भी थक गए, हार गए। देखिए वो पॉलिटिकल केस बना दिया है इन लोगों ने, और कुछ लोगों को पॉलिटिकल रंजिश की वजह से उनको बेल नहीं दी जा रही है, जबकि उमर खालिद का कोई दोस्त नहीं है। उमर खालिद जब दंगे होते जहाँ इस समय था ही नहीं वो यहाँ पर, और स्टूडेंट आदमी है, तो स्टूडेंट को क्यों इतनी जल्दी अंदर तक पहुंचाया जाए? स्टूडेंट से क्या डर है देश के अंदर, बताइए ना भाई। आपकी सरकार है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी सब कुछ है, तो देनी चाहिए। आप एक नया एक कानून बना रहे हैं कि लोगों को बेली न दी जाए, तो ये सरासर गलत है। तो क्या इसमें कुछ एडवोकेट्स की भी गलती रहती है क्या, कुछ उनकी तरफ से कोई कमी हो जाती है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एडवोकेट तो हर एडवोकेट चाहता है कि उसके क्लाइंट की बेल होनी चाहिए, पूरी जान लगा देता है एडवोकेट तो। मगर कोर्ट्स और कोर्टों की क्या मजबूरियां कि जो लोगों को बेल नहीं दे रहे हैं, तो वो कोर्ट जाने इस बात के लिए, क्योंकि कोर्ट को पूरी पावर है बेल देने की, किसको बेल दे सकते हैं किसको बेल नहीं दे सकते, कोर्ट की पूरी पावर है। इसलिए हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि बेल पर, खासकर बेल पर कानून बनना चाहिए देश के अंदर, कि किसको कितने दिन तक अंदर रखा जाएगा, ये तो होना चाहिए ना। आप ट्रायल चला रहे 20-20 साल तक, और 20 साल के बाद में कोई आदमी कहता है तुम्हें बातचीत बरी कर दिया गया, उसके बाद जेल पहुँचा दिया गया। आप देखो लेटेस्ट जो है, जो संदीप वाल्मीकि हैं उनका लेटेस्ट है कि उन पर आरोप, झूठे आरोप लगाए गए, जेल में उनको गया गया, उनका पूरा शोषण किया गया, उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने की कोशिश की गई, बदनाम किया गया, और आज वो बाइज्जत भाई हो गया। तो किसका दोष है इसमें बताइए, किसका दोष है? तो आप पहले ही किसी इंसान को अगर जेल पहुंचा देंगे बहुत मोटे पैसा लेते। देखिए ये मामला तो बड़ा गंभीर, राष्ट्रपति बार बार बोल रही है इस मुद्दे को लेकर कि तमाम लोग जो बेगुनाह हैं वो जेल में बाद में बेगुनाह जैसा आपने कहा वो साबित होते हैं। देखिए इस पर तो न्यायपालिका फिर क्यों नहीं सोच रही है? बोलने पे और कहने में बहुत अंतर है। बोलते तो बहुत है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, क्या देश में रूल ऑफ लॉ है? पुलिस अपना काम सही कर रही है देश के अंदर? क्या इन्वेस्टिगेशन सही होती है क्या? मैं जब तक FIR हुई, कितने लोग हैं, जितने ज्यादा नाम FIR में होंगे उतने ज्यादा पुलिस अपना अच्छा समझती है कि केस बहुत अच्छा है, यहाँ से बहुत अच्छी इनकम होने वाली है। मैं खुले तौर पर कहता हूँ, रिश्वत का पूरा जंजाल है, शोषण करने का पूरा जंजाल है, झूठी भी FIR होगी, पुलिस को पता है कि झूठी FIR है, साक्ष्य सारे हैं मगर लगाने को तैयार नहीं है। जो विक्टिम का वर्जन है या जो कंप्लेनेंट का वर्जन है उसको प्रूव करने लग जाती है। पुलिस का काम किसी के वर्जन को प्रूव करना नहीं है, पुलिस का काम है सच्चाई की जो एविडेंस है उसको लेके आना और जज साहब के सामने रखना। जज साहब डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। वो पहले ही माइंड बना लेते हैं कि जो कंप्लेनेंट का वर्जन है, जो कंप्लेनेंट कह रहा, हमें उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करनी है। एक्यूज की तो बात ही नहीं सुनी जा रही, तो फिर जेल में तो लोग जाएंगे ही जाएंगे ज्यादा। फिर ये कहना क्या है इसका? फिर रास्ता है, बेल पर कानून बनना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन अच्छी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आपके पास में जितने भी एविडेंस हैं उनको सबको कलेक्ट कीजिए, जो काम है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, और उनको जज साहब के सामने लेकर जाइए। ऐसा नहीं है कि अगर एक इंसान को बरी करने के लिए या उसको निर्दोष साबित करने के कुछ अगर सबूत आते हैं तो उनको तुम छुपा लेते हो, उनको विटनेस ही नहीं बनाते हो, अपने तरफ के लोगों को विटनेस बनाकर एक ऐसी स्टोरी वहाँ पे आप देते हो कि वो कई कई साल तक, 10-10 साल, 20-20 साल तक चलती है, और एक आदमी का शोषण होता रहता है। पहले जेल में शोषण होता है, फिर कोर्ट में शोषण होता है, समाज में शोषण होता है, उसका मेंटल जो स्टेटस है वो खराब हो जाता है, उसका जीवन खराब कर देते हैं एक केस के चक्कर में। इसलिए बेल बहुत जरूरी है, जेल तो एक्सेप्शन होनी चाहिए। जेल में जाकर जो शोषण होता है, जेल में एक अलग शोषण होता है, जेल में अलग शोषण है, वहां जो शोषण है लोगों का वो अलग प्रकार का शोषण है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि मेंटली लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोग बहुत ज्यादा
मतलब उनके अंदर एक ऐसी भावना आ जाती है कि वो जीना ही नहीं चाहते। इतनी आपने सुसाइड देखी होंगी जेल के अंदर, वहाँ मार पीट है, अलग चकल चल, बहुत सारा चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ही ज़्यादा सुधार होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सुधार होने की ज़रूरत है इंडिया के अंदर। साइंटिफिक जो चीज़ें हैं, साइंस के अकॉर्डिंग जो है वो आनी चाहिए, और केसों की अच्छी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जब ये समस्या का हो सकता है। नहीं तो डे बाई डे केस इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। 5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है भारत के अंदर, न्याय लेना इतना आसान नहीं है। सब कुछ मिल जाएगा, बहुत से तो केस ऐसे देखे हैं कि कंप्लेनेंट है या कुछ है, आदमी मर गया, फैसला नहीं आया, 20-20 साल में फैसले आ रहे हैं। तो ये जो लचर जो व्यवस्था है, इस लचर व्यवस्था को अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए।